गर्मी के बाद बारिश काफी ज्यादा राहत प्रदान करती है, लेकिन इस समय के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के चलते कीटाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के मानसून संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात में होने वाली बीमारियों जैसे स्किन एलर्जी, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, फ्लू इन्फेक्शन से लोग बीमार हो रहे हैं। इन बीमारियों से उभरना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। ये सभी समस्याएं स्वास्थ्य को लंबे समय तक और गंभीर रूप से प्रभावित भी कर सकती हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा दो प्रकार की बीमारी लोगों को परेशान कर रही है, एक मच्छरों से होने वाली, दूसरी बैक्टीरियल बीमारी जो कि दूषित पानी और भोजन से होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी डेंगू, मलेरिया, डायरिया, वायरल फीवर और टाइफाइड का असर दिख रहा है। कुल मिलाकर बारिश का मौसम सुहावना तो होता ही है, गर्मी से राहत भी मिलती है, लेकिन इन मौसमी बीमारियों से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मलेरिया जैसी बीमारी से ही लोगों की जान चली जा रही है। आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज को आपकी फिक्र है। यदि आप भी बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर्स को सुनिए।